पहले भी धरना हमने आपको दिखाया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक में जो सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, इसको लेकर जो रांची के व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, वो खासे नाराज दिख रहे हैं, जिसको लेकर चैंबर भवन में आज वो मीटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, वैसे तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, कोको कोला है, पेप्सी है, मैगी है, वो इतने प्लास्टिक, इतने हजार टन, करोड़ टन, अरब टन प्लास्टिक हमेशा यूज करते हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज करके जब छोटे व्यवसाय पर गाज गिराते हैं सरकार, तो गुस्सा होना तो लाजमी है। इस पर क्या कहना है बिजनेस प्लान का? सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुणाल विजय वर्गीय है। कुणाल जी, ऑब्वियस सी बात है, छोटे जब व्यवसाय के पीठ पर मारा जाएगा लात, तो यू नो गुस्सा आएगा। जहाँ पे एक और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी अरबों खरबों वो टन प्रोड्यूस करते हैं, उनको नजरअंदाज किया जाता है, और आप पर इस तरह क्या कहेंगे? जी देखिए, ये तो सरकार का एक तरफा नीति है, जो कि कॉरपोरेट को बचा दिया गया है, उनको संरक्षण दे दिया गया, और हम जैसे छोटे व्यापारियों को जो लाखों रोजगार देते हैं एक छोटे छोटे शहरों में, गांवों में, एक नगरी में, तो हमारे जैसे छोटे व्यापारी को ही टारगेट किया गया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के नाम पे। सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजल प्लास्टिक, ग्लास, कप, प्लेट, कटलरी, जो भी आइटम है, उनको ही सिर्फ टारगेट किया गया है। आप देख लें तो ऐसा कोई भी मेजर प्रोडक्ट नहीं है जिसके कारण से किसी को कोई हानि और क्षति होने वाली है, या उतना बड़ा और भी कोई इंडस्ट्री इतना बड़ा नहीं है। जब कैरी बैग पॉलिथीन को 75 माइक्रोन पे ले आया गया, बैनर्स को 100 माइक्रोन पे ले आया गया, तो क्यों हम लोगों के डिस्पोजल को भी एक ग्रामेज वजन और एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग पे और EPR पे लेकर के आए? क्या हम प्रोड्यूसर नहीं है? जब कोको कोला अपना प्रोडक्ट को EPR के माध्यम से ले सकती है वापस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकती है, तो हम भी व्यापारी हैं, हम भी समाज के ही एक अंग है, हमें क्यों EPR से अलग किया गया? हमें भी EPR में लेके आओ, और हमें भी सबका सम्मान, सबका बराबर चाहिए, बस यही मांग। उस दिन आपने राजभवन में धरना दिया था, इसका कोई रिजल्ट निकल के आया? देखिए, अभी तक तो राज्यपाल महोदय महामहिम से हमने आग्रह किया है मिलने का, और मिल करके उनसे समय की मांग भी की है। अभी कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण शायद उन्होंने नहीं दिया है। मुख्यमंत्री साहब का भी अभी ऐसा ही चल रहा है कि टाइम हमारा नहीं मिला है। दोनों जगह हमने समय मांगा है कि हमारे राज्य के जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी हॉकर्स हैं, जो भी लोग इससे लाखों लोग जो रोजगार कर रहे हैं, सबकी तरफ से हम अपने एसोसिएशन की तरफ से एक मांग रखना चाहते हैं कि कोई एक रास्ता निकालें और हमारे उद्योग को बचाएं, जिससे लाखों रोजगारों को बचाया जा सके। एक बात बताइए, अगर इस तरह का बैन होता है तो कितना, एक आंकड़ा आप दे सकते हैं कि कितना रोजगार जा सकता है, कितने पैसे की ये हो सकता, नुकसान हो सकता है? आंकड़े का अगर आप बात करें तो इसको गिन पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक रफ आइटम देख लें तो सिर्फ हम, अगर मैं झारखंड की एक जो गरीब बहुल क्षेत्र है, एक पिछड़ा क्षेत्र है, अगर मैं इस राज्य की सिर्फ बात करूं तो यहाँ कम से कम 5,000 दुकानें हैं, 10 फैक्ट्रियां हैं, 5,000 दुकानें हैं। उन 5,000 बड़े दुकानों के अलावा 10,000 छोटी दुकानदार हैं, जो उन छोटे से बाद फिर 10-20,000 हॉकर हैं, जो उनसे माल ले जा करके बेचते हैं जगह जगह। सारे लोग प्रभावित होंगे। अब आप सिर्फ, मैं दुकानदार की बात कर रहा हूँ, तो दुकानदार उनकी फैमिली को भी गिनिएगा, हर एक दुकानदार के 3 और 4-5 फैमिली, उसके बाद उनके 1-2-3-4 कर्मचारी दुकान पे, उनके परिवार, तो आप ये आंकड़ा गिनिएगा तो मैडम ये आंकड़ा करोड़ों में आ जाएगा, सिर्फ एक राज्य से। मैं पूरी भारत की बात कर रहा हूँ, हम पूरे भारत को लेकर के चल रहे हैं कि पूरे भारत में कितनी बेरोजगारी आएगी। सिर्फ ये देखना था सरकार को सिर्फ बैन नहीं देखना था। आपको लगता है कि जब इस तरह के डिसीजन होते हैं तो आप जैसे बिजनेसमैन से एक बार बैठकर बातें होनी चाहिए, हर राज्य से एक रिप्रेजेंटेटिव इस तरह? जी, होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीज़, क्योंकि हम भी एक समाज के अंग है, व्यापारी ही एक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, लेकिन सम्मान सबको बराबर मिलना चाहिए, और सारे व्यापारी वर्ग को वो एक साथ लेकर के सरकार को कोई भी नियम और कानून लगाना चाहिए। तो आपने देखा कि सारे व्यापारी वर्ग को, सबको साथ लेकर, वैसे सरकार का टैगलाइन भी है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं, लग नहीं रहा है कि सबका साथ मिल रहा है, और जब तक सबका साथ नहीं मिलेगा तब तक सबका विकास होना असंभव है। बिना अल्टरनेटिव ऑप्शन के किसी भी चीज़ का, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे हम एग्जाम्पल लेते हैं मोराबादी दुकान का, एक अचानक से बैन लगना कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसे ही इसके साथ ही हमने कांग्रेस से भी इससे राय जानने की कोशिश की, जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए GN भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।